अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल नोमैडिक व्लॉग्स। आज मैं जा रहा हूँ उमरा करने के लिए। वैसे तो मैं सोच रहा था व्लॉग नहीं बनाऊँगा, लेकिन फिर मुझे लगा यार बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जिनको बेसिक चीज़ें पता नहीं होंगी, तो उसको बताने के लिए व्लॉग में साथ में ऐड कर देता हूँ। तो इसी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो जो चीज़ें आपको बतानी हैं, उनमें से पहला चीज़ ये है कि ये जो मैं उमरा करने जा रहा हूँ ताइफ से, ये एक बस जाती है, बस सर्विस है ताइफ से, फ्री आपको लेके जाएगी और वापसी भी लेके आएगी फ्री में, कोई पैसे नहीं लेंगे। एक तो वो कहाँ से जाती है उसके बारे में क्या मालूमात हैं, और इसके अलावा आज 27 रमज़ान है, इस वजह से बहुत ज़्यादा रश होगी। तो मक्का मुकरमा में कैसा रश होता है, किस तरह से जो है अल्लाह ताला की दुनिया जो है ना वहाँ आई हुई है, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, और मज़ीद क्या इसमें शामिल होगा। तो हाँ, एक चीज़ और भी है, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से यहाँ रह रहा हूँ सऊदी अरब में, तो बेसिक हरम शरीफ के बारे में मुझे मालूमात हैं। अगर कोई बंदा गुम हो जाए, किसी को ढूंढना हो, तो उसके बारे में जो छोटी छोटी मालूमात हैं वो भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसी मकसद से ब्लॉग बना रहा हूँ। बाकी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो चलिए मेरे साथ। बस है और दूसरा बस ये है जो हमें लेके जाएगी उमरा करने के लिए। दो बसें हैं यहाँ से, वो रोड है सामने और ये रोड माता मोरद वाला है, ठीक है। तो मस्जिद भी आपको दिखा देता हूँ, देख रहे हैं ये बस है और ये मस्जिद है। मस्जिद दरख्तों में घिरा हुआ है, हो सकता है आपको नज़र ना आए, लेकिन हाँ ये भी वो हाँ। तो ये जो है ना मस्जिद है, ये देख रहे हैं ये वाली। तो नमाज पढ़ के फिर आपसे अभी अंदर जा रहे हैं, ये बस और दूसरा वाला वो है। जी
जहल होना चाहिए। हम वहाँ हम लोग अभी आ गए हैं यहाँ, इसको प्रीव्यू पर बस में उतारा है। यहाँ से जो है ना आगे आगे हम पैदल जाएंगे मेरा घर के वापसी, फिर यहीं आना है। मेरा ख्याल है कोई 1 से 1.5 किलोमीटर है। ये देखें सामने, ये सामने जो है ना ये जो करने नज़र आ रही हैं, यहीं से जो है ना इसके बाद हरम शरीफ शुरू हो जाता है। यहीं पे मस्जिद जिन भी है, ये सामने मस्जिद जिन है, ये वाला मस्जिद जिन, ये मेरे ख्याल में मुखालफा दे रहा है। ये मस्जिद जिन है, सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि ये जो टावर देख रहे हैं ना, ये वाला टावर इसके ये सामने आपके जनूब में होना चाहिए, इसके शुमाल के साइड पे मस्जिद हरम है और इसकी मशहूर इस साइड पे जो है ना अबू जहल वाले हमामात हैं, तो आप जो है इसी तरीके से आ सकते हैं। और कोशिश करें जहाँ भी पता ना चल रहा हो आप पूछ लें किसी से कि उम्रा के लिए कहाँ जाना है, क्योंकि कहीं पे भी वो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकते। कहीं पे नमाज के लिए जाने की जगह है, कहीं पे उम्रे के लिए, तो सीधा चलना है मेरा ख्याल है। पूछते जाओ, जहाँ भी पूछना है पूछते जाएँ, आसानी रहेंगे। हाँ पहली खबर ये है कि मैं अकेला बच गया, बाकी सारे हम लोग अलग हो गए क्योंकि रश है इतना ज़्यादा, जिसमें अभी बस खा मरवा कर रहे हैं, तो वाफ मेरा हो गया है। रश जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी बस। सारी में सिर्फ एक गिलास पानी पिया गमगम का और एक खजूर मिला, बस उसी ने सारी करके अभी आगे सफर जा रही है। उसमें सबसे पहले यहाँ पानी पीता हूँ गमगम का, उसके बाद ही कुछ आगे को देखेंगे। यहाँ से पानी पीने यहाँ गाँव में, यहाँ तो वही नहीं पी सकते, रश बहुत ज़्यादा भाई। इस तरह से ये भी बोल दिया।
तरह सफाई होती है। ये गंगा जा रहा है, इस कपड़ा भी देखो माशाल्लाह। देख रहे हैं कितना है। आप सोच रहे होंगे मैंने तरावियाँ नहीं पढ़ी, जैसे ही नमाज पढ़ी जिस जगह पे भी वहाँ से फिर जो है ना, क्योंकि अभी तक मेरा सफ़ा मरवा वाला दौड़ बचा हुआ था, तो जैसे ही नमाज पढ़ी और लोग चलने लगे सफ़ा मरवा का अपना दौड़ मुकम्मल करने के लिए, उसके बाद भाई किसी भी जगह में घूमता रहा, कहीं पर भी कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ आप रुक के जो है ना नमाज अदा कर सकें या तरावी पढ़ सकें। तो यानी इतना रश ज़्यादा है कि लोगों को सर्कुलेट किया जाता है ताकि
ये चलते रहें और जो है ना इतना रश ना पड़ जाए। तो सिर्फ मैं रश से बाहर निकला तब तक ट्रालियाँ भी ख़त्म हो गई। ये है इसकी खूबसूरती। कोई जगह, कोई दुकान, कुछ भी ऐसी नहीं है जहाँ पे कोई निमाज ना पड़ रहा हो। दुकान के सामने वो जो बड़े बड़े टावर हैं उनके ऊपर जो है ना, मैंने देखा है, करीब से वीडियो तो नहीं बना पाया कि इतना कैमरा कवर भी नहीं करता। तो वहाँ पे भी मैंने देखा है कि, और वहाँ होटलों में जो रूम है ना, वहाँ लोग बैठे हुए होटलों के अपने रूम के अंदर से ही जमायत के साथ निमाज पढ़ रहे थे। कोई रोड, कोई जगह जहाँ पुलिस वाले ज़बरदस्ती लोगों को उठा रहे हैं ताकि जो है ना रश ना पड़ जाए, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं रश कितना ज़्यादा है। जिसको जहाँ पे थोड़ी सी भी जगह मिल गई अपना नमाज पढ़ने की कोशिश करता है, फिर जो है ना जैसे ही वो सलाम फेरता है तो कोई ना कोई अस्कर आके उसको वहाँ से रिमूव करता है ताकि रश ना पड़ जाए। उसके बावजूद भी आप हालात देख रहे हैं कितना रश ज़्यादा है। 27 रमज़ान है, इसकी बरकत देखें। ये सिर्फ मैं एक ही सिम से बाहर निकला हूँ, एक ही सिम से गया हूँ, इतना रश है हर जगह। जहाँ पे भी जाएंगे आपको जो है ना रश ही रश मिलेगा, इंसान ही इंसान। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, उसका निज़ाम है कि वो इसको चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है ना उम्रा मुकम्मल हो चुका है। अभी सिर्फ मैंने बाल कटवाने हैं और जो है ना कपड़े वगैरह चेंज करूँगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ इफ्तारी वगैरह, यानी ये सीन नहीं है कि आप बैठ के इफ्तारी कर सकें अगर आपने उम्रा करना है। हाँ, अगर आप पहले आ जाते हैं किसी जगह पे बैठ जाते हैं, हो सकता है आपको कुछ मिले खाने को, नॉर्मली नहीं मिलता। और लोग ही एक दूसरे को खजूर देते हैं, बांटते रहते हैं, जिसके पास थोड़ा बहुत पानी हो कुछ भी बांटते हैं। यहाँ तक के जमजम का पानी जो कि अमूमन आमतौर पर हर जगह ज़्यादा होता है, लेकिन आज जो है ना मुश्किल से पानी पीने को मिला, इतना रश। यानी उसके लिए भी लड़ाई करनी पड़ती थी धक्कम सेल करके आप जो है ना। अभी मैं बिल्कुल बाहर निकल आया हूँ, उसके बावजूद भी देख रहे हैं जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ। ख्याल करें भाई, ख्याल करें। उसके बावजूद भी हालात देख रहे हैं किस कदर रश है। रुक गए हैं, पता नहीं क्यों। बस साफ करना है। ये सारे हम लोग जा रहे हैं वापसी पे, लेकिन फिर भी देखें रश की वजह से पसीनों पसीने, हर बंदा पसीने में शराब हो रहा है। अभी पता चलेगा यहाँ से निकलते हुए। वो जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, इसके बैक साइड पे जाना है पैदल। वहाँ से बस आएगी, उठाएगी और फिर जो है ना आगे जाएंगे। या तो मेरे ख्याल है गेट थोड़ा तंग है, इस वजह से जो है ना मैं यहाँ से बाहर निकल के फिर आपसे बात करता हूँ। अभी बंद करता हूँ। कुछ तो है यहाँ जिसकी वजह से इतना रश है। पाकिस्तान अल्लाह और सर बाप मिले थे, मिले तो जोर से जोर से मिले थे, तक चढ़ गया था बोलिए मुझसे फिर ऐसे मिले तो अच्छा था। अब फिर हाँ बस बाहर निकल के लोग खड़े हैं, देख रहे हैं कोई जा नहीं रहा। मसला ये है, मुसीबत ये है कि लोग जा नहीं रहे, इस वजह से जामा पड़ा हुआ है अंदर। मेरा ख्याल है लास्ट ये जो फौजी खड़े हैं वहाँ तक है,
उसके बाद फिर रश नहीं है, उम्मीद तो यही है। हाँ अभी यहाँ नहीं फिर भी मैं दूर निकल आया हूँ, मुझे तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है सिर्फ बाहर निकलते हुए। इमेजिन कर सकते हैं पैदल हो, कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं है। माशाल्लाह मैं उम्र अपना ख़त्म करके अभी बाल तो मैं नहीं कटवाया था हूँ, उससे निकल आया हूँ। ये सारे गाड़ियाँ पार्किंग के लिए हैं, तो अभी मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं कचरा, मैं जानबूझकर वीडियो ख़त्म नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ आप देखें इसको, एंजॉय करें इस अल्लाह ताला की कुदरत को और यहाँ इसकी मखलूक को। ये 27 की रात है और जो है ना इसको आप हर किसी के बस की बात भी नहीं है, जिसको अल्लाह ताला इसके नसीब में होता है वो पहुँच जाता है। पहले देखा मेरे दोस्त मुझे मिल गए अचानक से, और जिनके साथ मैं आया हूँ पूरी बस है। जब हम लोग तवाफ के लिए अंदर दाखिल हुए उसके बाद हमने से कोई भी एक दूसरे को नहीं मिला, सब लोग जो है ना अपने अपने राह पे चले गए। रश इतना है, या तो आप इबादत करें या साथी को ढूंढते रहें, बस ये काम हो सकता है। हमने जो है ना अपना उम्रा मुकम्मल करने की कोशिश की ताकि जो है ना अरे वैसा वैसा पसीने में शराबूर हैं बेचारे ड्यूटी करते करते, उनकी यार हिम्मत है, देख रहे हैं किस तरह से वो पसीने में शराबूर हिम्मत है यार इन लोगों की जो है ना, यार ये इस चीज़ को जो है ना वो कर रहे हैं। सफाई वाले अमले को देखें, सारा दुबाला जा रहा है और रश देखें। मैं जानबूझकर इस वीडियो को ख़त्म नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ आप जो है ना इसको इंजॉय करें। मुझे ये भी नहीं पता कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, ये बस से बस बस से बस ये जो गाड़ियाँ हैं ये मौकफ़ पे लेके जाती हैं आपको यहाँ से उठा के फ्री में, नहीं मेरे ख्याल में पैसे लेते हैं, आपके पास पर्ची होनी चाहिए, कोई भी गाड़ी आपको उठा के ले जाएगी। और इनका रूट बिल्कुल मुख्तस है, इनके रूट पे कोई गाड़ी कोई कार वगैरह नहीं चल सकता यहाँ से हरम शरीफ से निकलने के लिए इनको, यानी ये देखें ये है वो बोल रहे हारन दो और जाओ एक मिनट मुझे फ़ोन आ रहा है, मैं ये सुन लूँ फिर आपसे मजीद आपको दिखाता हूँ। ये देखें बस मैंने सिर्फ यही सफ़र तय किया। सबसे बेहतरीन चीज़ यह है, ये देख रहे हैं ये मैं हूँ और ये सही है, अगर आ रहा है ना रिकॉर्डिंग कर रहा है ना, ये देखें ये मैं हूँ ये सही है। अगर आपके पास इंटरनेट हो और लाइव लोकेशन एक दूसरे को शेयर करें बेहतरीन। अब देखें ये बर्मीर है, उसने मुझे फ़ोन किया कि बर्मीरों के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ। ये देख रहे हैं ये बिल्डिंग है,
वो देखो सामने खड़ा है, ये चीज़ है, ये देखें, ये हम दोनों हैं, ठीक है। आप दोनों का इसमें होना लाजमी है, किसी को भी ढूंढना हो आजकल के दौर में नेट के ज़रिए बहुत ही आसान है। अगर आपके पास नेट नहीं है भैया, फिर आप रोल गए। सही देख रहे हैं, हमारा एक साथी का मोबाइल भी गिर गया और जो है ना वो भी चिखर गिरा गाँव, चिखर गिरा गाँव। क्या किया वो? सलाम वालेकुम, छोटे करने बाल कितना देगा? नहीं 10। क्या करेगा? नहीं सेट उसे मशीन मारो, बस थोड़ा सेटिंग कर दो। मशीन पूरा पूरा बिल पर मशीन करेगा? नहीं नहीं पूरा नहीं। क्या करेगा? छोटा करेगा। हाँ लेजर का 15,000 टाइम लगेगा, उस तरह 10,000। नहीं यार 10,000 15 नहीं। पूरा मारेगा मशीन? पूरा मारेगा? हाँ पूरा मशीन मारेगा? नहीं पूरा तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह बाल बन गए हमारे, सईद ने माशाल्लाह टेंट कराया। सईद भाई आपको मुबारक, उमरा का मुबारक आपको तो दे। और मैंने बाल ज़रा छोटे कराए, उमरा तो हो जाता है, चुथाई बकरा देना पड़ता है। ठीक है वो अभी जो है ना हम मैंने जो है ना बाल भी कटवा लिए, बाल इतने अच्छे से नहीं काटते, बहरहाल थोड़ा बहुत हो गया है। अभी बस सिर्फ बस का इंतज़ार है और हमारा जो है ना उम्र अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। उम्मीद है ये वीडियो कदरे आपको बेहतर लगी। एक दोस्त ने शिकायत की थी कि भाई आपकी आवाज़ कम आती है, ज़ोर से बोला करें, तो कोशिश करता हूँ ज़ोर से बात करने की, लेकिन जहाँ भीड़ हो वहाँ फिर भी जो है ना इतनी वो आवाज़ नहीं समझी जाती। यहाँ से ये देख रहे हैं, ये है सीन मक्का मुकरमा का, देख रहे हैं वो सामने है। और बस ने हमें यहाँ उतार दिया और यहाँ से आगे पैदल जाना है, काफ़ी मंजिल है, 1.5 घंटे का सफ़र लग गया वैसे रश की वजह से। ये जगह है मस्जिद जिन, वो वाली जो मस्जिद है वो वाली और ये वाली मस्जिद जिन है, उसको मस्जिद जिन कहते हैं, ठीक है। हमारा एक साथी गुम हो चुका है जो कि नहीं पहुँचा अभी तक, वो कह रहा था कि मेरा मोबाइल भी गिर गया है। नहीं यार आपके पास पट्टा होना चाहिए लाजमी, वो टाइट हो और उसमें जो है ना किसी किस्म का वो ना हो। दूसरी जो चीज़ है वो है कि आपके पास पैसे होने चाहिए, थोड़ा बहुत आपको जो है ना, फिर मुश्किल नहीं है यार, यहाँ हज़ारों की तादाद में दुनिया है, आप किसी से भी मोबाइल पकड़ के किसी का नंबर मिला के फ़ोन कर सकते हैं कि यार मुझे फ़लाँ जगह पर जाना है, मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। अब वो इतना भी नहीं कर पा रहा, ना रब्ता कर रहा है ना कुछ, एक नंबर से फ़ोन किया और बोला कि मेरा मोबाइल गुम हो चुका है, मेरा मोबाइल गिर गया, मैं क्या करूं, किसी दूसरे नंबर से एक दोस्त को फ़ोन किया, बस इतनी सी बात है। तो भाई ये सीन है, अभी यहाँ कदरे बेहतर है क्योंकि हवा आ रही है, वहाँ काफ़ी गर्मी थी यार, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। ये शुरते का दफ्तर है, मरकज़ असाफ अल हजून, कुबरी हजून है ये जो जगह है ना कुबरी हजून, ये उस दफ्तर के ऊपर लिखा हुआ है। मेरा हाथ तो नहीं आ रहा कैमरे में, हाँ आ रहा है थोड़ा बहुत, अभी सही है। हम लोगों के पास यार टाइम नहीं होता, अगर टाइम होता तो इसको एक्सप्लोर करने में और भी मज़ा आता है, इसको देखते इसको यानी खासकर वो जो पहाड़ी वाले घर हैं ना ये मज़ेदार हैं। कहाँ पे हैं ये बिल्डिंग आ गई, हाँ ये यहाँ पे जो ये जो घर हैं ना ये बड़े मज़ेदार हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। या इस साइड पे ये जो है नज़र आ रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं कैमरे में, कैमरा मेरे इतना दूर का कैप्चर नहीं कर रहा, ये जो घर हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत, देख रहे हैं रश अभी इतना नहीं है, पहले ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। मैंने वीडियो में आपको दिखाया है कि किस तरह से मैं और सईद भाई जो है ना एक दूसरे को ढूंढ पाए बिल्कुल आसानी से, मैं सुकून से मैंने उसको कहा कि देखते रहो मुझे और मैं अभी काफ़ी दूर हूँ, मुझे घंटा लगेगा, मैं आराम से आ जाऊँगा। सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक तो इंटरनेट का पैकेज है, दूसरा लाइव लोकेशन शेयर करना भी आता हो आपको और देखना भी आता हो, समझ भी आती हो आपको,
फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। कम से कम यार आपको लाइव लोकेशन शेयर करना और आपका नेट और बैटरी, मैं पावर बैंक भी लेके आया हूँ इसी मोबाइल में, मेरे पास पावर बैंक है ताकि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, मेरा मोबाइल नया है, बैटरी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं सेफ्टी के लिए पावर बैंक और जो है ना दो बैग लेके आया हूँ, कपड़े भी लेके आया हूँ। तो यार इतनी कोशिश किया करें जब भी आप उम्रे के लिए आएँ, मेन चीज़ है आपका इंटरनेट। आज इंटरनेट के दौर, इंटरनेट के बगैर जो है ना ज़िंदगी किसी काम की नहीं है, इसको इस्तेमाल में लाए। सिर्फ वीडियो यूट्यूब पे टिकटॉक या उनको देखने की, ठीक है हम लोग देखते हैं यार, मैं खुद भी ब्लॉगर देखता रहता हूँ, वो मुश्किल नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि यार इतना आपके पास नेट हो कि किसी को लाइव लोकेशन शेयर कर सको और बैटरी भी इतनी पावर हो। यार कितने की आएगी पावर बैंक? पावर बैंक जो है ना 100-150 रियाल की बेहतरीन आ जाएगी। मैंने 3 साल पहले लिया था 20,000 mAh का, अभी तक चल रहा है 3 साल, यार बहुत बढ़िया है। और एक बार चार्ज करो और जो है ना कम से कम ऐसे रातों के लिए जो है ना ये इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जाती। मेरा कैमरा भी हद तक मैंने सही भाई को दिया हुआ है, वो अपने मोबाइल चार्ज कर रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये क्या करें। बाकी अभी यहाँ से मैं कैमरा बंद करता हूँ, फिर हम लोग होटल जाएंगे, खाना भी हमें खिलाएंगे और जब ताइफ पहुँचूँगा इस व्लॉग को एंड करूँगा। माशाल्लाह ये देख रहे हैं ये सारे भाई हैं। हाँ दादा कैसा रहा उमरा? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हो? मुबारक हो। आपको भी मुबारक। आपको ये पहली बस आ गई है, यही है मुझे याद नहीं है, पिछले बार भी 2 ही बस थे वहीं पर। वो हमारे पीछे आ रही है, वो बोल रहे हैं आगे खड़े हो, खड़ा हो। ये ताइफ फिन ताइफ हाँ रहता है ताइफ हाँ वही है। हम तो भैया अपनी सीट पर बैठ गए अल्हम्दुलिल्लाह, सईद का इंतज़ार है। माशाल्लाह ये जो है ना होटल है, आ जाओ जो ये हमारा खाना आ रहा है। बात सबर चरंगा बोल रहे हमारा बेहतरीन ये अभी नया है, ये कैमरा कंपनी, ये ड्रोन कैमरा बनाते हुए खाना हो गया खराब। रोटी तो हम लोगों ने खा लिया, चावल थे, चावल मुझे वैसे इतना खाना नहीं है, बहुत से हम दोबारा करना कर दिया। खाना हो गया हमारा माशाल्लाह, ये देखते हैं बाहर का माहौल है। अभी एक दूसरा काम भी करना है, बड़ी क्यूट सी है यार। तो भाई साहब हमारा खाना भी हो गया सब कुछ, अभी यहाँ से निकलते हैं, आगे यार अंधेरा होगा तो व्लॉग बनाने का जो है ना तुक नहीं बनेगा। ये हमारी दोनों बसें हैं, अभी यहाँ से वापसी है। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने उमरा मेरे साथ किया उन सबको मुबारक,
बाद में जो वीडियो देखेंगे उन सबको फिर से मुबारक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।